धमनी की बीमारी अलग होती है, वेंस की बीमारी अलग होती है। जो आर्टेरियल डिसीज होती है वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर पैर की आर्टरी, पैरों की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो पैर में तकलीफ आती है, हाथ की हो जाए तो हाथ में आती है। अगर वही आर्टरी कभी दिमाग की अथवा शरीर के किसी भी अन्य अंग की ब्लॉक हो या ब्लॉकेज की संभावना हो तो उसमें तकलीफ आती है। यूजली पैरों की आर्टरी मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होती है, जिसमें पेशेंट थोड़ा चलने पर उसको पैर में दर्द होता है, धीरे धीरे उसका जो चलने की दूरी है वो लगातार कम होती चली जाती है, जिसकी वजह और पैरों में दर्द होता है। ऐसे पेशेंटों को आराम करने से पैरों के दर्द में राहत आती है, धीरे 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 ये इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को बैठे बैठे भी पैरों में दर्द हो सकता है, और इवन अल्टीमेट अंत की स्टेज में ये होता है पैरों की उंगलियों का काला पड़ना अथवा उसमें बिना घाव हो जाना, जो कि ना भरता हो ऐसे घाव होने की भी संभावना थी। मुख्यतः ये आर्टेरियल डिसीज के सिम्टम रहते हैं। इसी तरह हाथ के हाथों में भी हाथ की उंगलियों का काला पड़ना या उसमें अल्सर्स बनना, ये सारे लक्षण धमनी की बीमारियों के हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आपने जैसे शुरुआत में बताया कि वेंस की अगर ब्लॉकेज हो जाए किसी भी पार्ट का तो उसमें भी काफी दिक्कत आती है, तो उसकी क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं ये जानना चाहेंगे। देखिए, वेंस की ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, वेन का ब्लॉकेज मोस्टली एकदम अचानक अक्यूट बोलते हैं जिसको होता है, उसमें उस जिस पैर की या जिस हाथ की नस है ब्लॉक होती है वो हाथ तुरंत सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है तथा उसमें सीवियर पेन, दबाने पर हाथ में सीवियर पेन होता है, और जिसकी वजह से वीनस हाइपरटेंशन इस कंडीशन को बोलते हैं, जिसकी वजह से वीनस गैंग्रीन बनने की संभावना होती है। अगर हम उस ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को पेन, स्वेलिंग और दर्द, ये मेन उसके सिम्टम है, तो आर्टेरियल डिसीज के अलग सिम्टम है, लक्षण है, और वेन डिसीज के अलग लक्षण है। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि नसों के ब्लॉक होने की समस्या के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कैसे पता चल जाता है कि नसों का, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि उसकी नसों का ब्लॉकेज क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपसे कॉज जानना चाहेंगे, आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं कि एक व्यक्ति को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। देखिए, नसों के ब्लॉकेज दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्यूट ब्लॉकेज, तुरंत एकदम कोई भी ब्लड का मतलब क्लॉट बोलते हैं थक्का, वो जाके एकदम अचानक नस को ब्लॉक करे तो वो अक्यूट चेंजेस बोले जाते हैं, जिसमें तुरंत पैर की उस स्थान की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जैसे हृदय में अक्यूट ब्लॉकेज की वजह से अटैक आता है, ऐसी पैर के नस की ब्लॉकेज की वजह से अक्यूट ब्लॉकेज की वजह से ब्लॉक आ जाता है, जिससे पैर में उस स्थान की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से एकदम अचानक सडन सीवियर पेन, बहुत तेजी का दर्द होता है, पैर की उंगलियों के मूवमेंट कम हो जाते हैं, पैर ठंडा पड़ जाता है, साथ में जो उसके सेंसेशन होते हैं वो भी अल्टर्ड हो जाते हैं, उसको एकदम पता नहीं लगता कि उंगली है कि नहीं, तो ये अक्यूट लक्षण की निशानी। अगर इस परिस्थिति को तुरंत ना ठीक किया जाए तो ये अल्टीमेटली पैर को गैंग्रीन में डेवलप होके उसको हमें पैर को निकालना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जितनी जल्दी हो सके, इसीलिए से इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना उपचार किया जाए। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं क्रोनिक, मतलब धीरे धीरे, ऐसे में नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाता है, वो जो धीरे धीरे बढ़ता चला, जो मैंने आपको सिम्टम बताया क्लॉडिकेशन, वो ऐसे पेशेंटों में अधिक होता है जिसमें नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, उनके चलने का वॉकिंग डिस्टेंस कम होता चला जाता है, तो इस तरह से मेनली आर्टरियल डिसीज के लक्षण होते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हमारा खाने पीने का जो तरीका बदल चुका है इसका कोई संबंध इससे है? बिल्कुल, खाने पीने का संबंध है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने, कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ता है वो शरीर की नसों में जमा होता है, चाहे वो हृदय पे जमा हो तो अटैक के रूप में आता है, नसों में जमा हो तो नसों के रूप में आता है, और कुछ व्यसन जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी रूप में प्रयोग करना, ये हमेशा इस प्रक्रिया को, इसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसीजर बोलते हैं, उसको बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल प्लस स्मोकिंग, ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं एक नस के ब्लॉकेज होने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना किस किस में कॉमन है, अधिकतर वो ऐसे लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं उसमें अधिक कॉमन रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल प्लस स्मोकिंग, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। बिल्कुल, इसके साथ डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम बच्चों के बारे में, तो क्या बच्चों के साथ भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है? देखिए, बच्चों में ऐसा क्या होता है कि बच्चों में अक्यूट ब्लॉकेज की संभावनाएं कम होती है, या कोई फॉल ऑफ ट्रॉमा जैसे किसी के एक्सीडेंट में नस दब जाना, नस के अंदर थक्का जम जाना, वो होता है।
क्योंकि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल इतना जल्दी नहीं बढ़ता है, तो बच्चों में क्रोनिक नहीं होता, हमेशा उनमें मोस्टली अक्यूट प्रॉब्लम होती है या कोई सिंड्रोम की वजह से हो सकता है ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे में बच्चों में रहती है। बच्चों में अधिकतर अक्यूट संभावना होती है, जो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमना नसों पे होता है वो बच्चों में यूजली नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पैरों के साथ अगर ऐसी दिक्कत आती है सामने, तो काफी सारे लक्षण जो आपने बताए जैसे सूजन आ जाना, दर्द होना, लेकिन एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको किस तरह के डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है पता करना कि अब इस कंडीशन में हम किस डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसमें मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर ये जैसे वेन अक्यूट आप पेन का तो आप समझते हैं, पेन जैसे ही हो, दर्द पैर में हो, आप समझ लीजिए कि अगर वो दर्द बहुत बढ़ता चला रहा है, गोली लेने के बावजूद, दर्द की दवा लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, साथ में स्किन कलर का चेंज हो रहा है, या मूवमेंट सेंसर लॉस, आप समझिए नस के ब्लॉकेज की संभावना है। और यदि पैर में आपने देखा कि पैरों में नसें दिखाई देने लगती, आपने देखा होगा किसी महिलाओं के या पुरुष के जो थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, ओबेस पेशेंट होते हैं, उनकी नसें दिखती हैं, तो ऐसे पेशेंट में पैर में कालापन आना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो हमें देखते ही तुरंत एक वास्कुलर सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब अगर अचानक से ये हो जाए जैसे कि आपने बताया, तो उस समय एक पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में बैठे एक तो घबरा जाते हैं लोग, तो उस समय कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए।